विश्वास का कारण यह बनता है। मित्रों, मैंने एक गुजरात में एक छोटा सा प्रयोग किया, उस प्रयोग का हमें बहुत लाभ मिला। हम गुजरात के लोग, पसीने से हमारा संबंध बहुत कम है, पैसों से ज्यादा है, इसलिए खेलकूद वगैरह से हम गुजराती लोग आपको नजर नहीं आएंगे। खेल के मैदान भरे पड़े हैं, बच्चे पसीना बहा रहे हैं, ये माहौल थोड़ा कम है हमारे यहां। लेकिन हमने उसमें चेंज लाने की कोशिश शुरू की, और कोशिश की तो हमने कहा भाई ये खेल कूद में हमारे बच्चे क्यों पीछे रह जाते, कहीं मेल नहीं बैठता है। तो उसमें से हमने एक विचार विमर्श किया, काफी कंसल्टेशन किया, तो ध्यान में आया कि सिलेक्शन सिस्टम में ही सब दोष है। अगर शिमला में खेलने के लिए जाना है तो उस परिवार के बच्चों का नंबर लगेगा, अगर महाराष्ट्र के छोटे से किसी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पर ही खेलकूद होने वाले हैं तो दूसरे लॉट ऑफ पीपल के बेटों का चांस लगेगा। अच्छी जगह पे जाना है तो खिलाड़ी एक, थोड़ी कम अच्छी जगह पे जाना है तो खिलाड़ी दूसरे। मैंने कहा भाई खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता है, उसके काम अलग क्या होता है। तो हमने सिलेक्शन की सिस्टम को बड़ा साइंटिफिक किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया ही किया, सही माने में जो पोटेंशियल था उनको अवसर मिला। और पिछले 40 साल में हमको जितने मेडल्स मिले होंगे उससे ज्यादा मेडल ही हमारे बच्चे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे पिछले 10 साल में ले आए। इसका मतलब ये नहीं था कि जनता में ताकत नहीं थी, नौजवानों में दम नहीं था, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। वो ट्रांसपेरेंसी के अभाव के कारण अविश्वास बढ़ता चला जाता है, और अविश्वास बढ़ने के कारण असंतोष का माहौल बनता है जो दूरियां और खाई पैदा कर देता है। और आज शासन प्रशासन और जनता के बीच में खाई बढ़ती चली जा रही है। उस खाई को कम करने की दिशा में इन छोटे 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 हमारे जो गैप्स हैं उन गैप्स को भरने का काम करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। और उसको अगर हम करते हैं, टेक्नोलॉजी का अगर हम भरपूर उपयोग करते हैं तो हम अवश्य इसका फायदा ले सकते हैं। दूसरी